देखना बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इन रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में हम काइनेटिक और मोमेंटम के बीच हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट। ये रिलेशन आता है पी बिल्डिंग प्लस टू रूट में के स्क्वायर प्लस टू एम नॉट के सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ। ओके, तो आइए देखते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखिए हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। According to Einstein mass energy relation, तो देख लो अब होगा क्या, ये बिल भी स्पष्ट होता कितना है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी ए विल बी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम आपने इसे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यंग नॉट इस पर सी पावर फोर, क्या आपने पढ़ा था। ठीक, अब इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड में मैं रख देता हूँ, यंग नॉट सी स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यंग नॉट इस पर सी पावर फोर हो जाएगा। अब इसे मैं खोल देता हूँ, तो एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर प्लस के स्क्वायर प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर के विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर। देखो ये टर्म कट जाएंगे, तो बचा क्या, यहां से ये वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू k स्क्वायर प्लस टू एम नॉट के सी स्क्वायर। अगर p स्क्वायर निकालना हो k स्क्वायर टू एम नॉट के सी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा c स्क्वायर p स्क्वायर रूट, सॉरी p विल बी प्लस टू रूट में k स्क्वायर प्लस टू एम नॉट के सी स्क्वायर by c square। ये रिलेशन था, यही मुझे फाइंड आउट करना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच क्या है, रिलेशन है, लेकिन ये रिलेटिविस्टिक रिलेशन है। ओके बच्चों, आई होप कि ये भी टॉपिक आपको समझना होगा। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर से कनेक्ट होते हैं। ओके बच्चों।